हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यून नोटिफिकेशन। इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो है 12th पास। ओनली 12th बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टेट वाइज इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और जो मेरिट तैयार की जाएगी वो स्टेट वाइज की जाएगी। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत ही जल्द मार्च में ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। टोटल वैकेंसी है 2500 पदों पर भर्ती की जानी है। ये दो पोस्ट हैं, दो पद हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फर्स्ट है इसमें आर्टिफिशर अप्रेंटिस एंड सेकंड है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। सो ये दोनों ही पदों के लिए भर्ती है, जिसमें आर्टिफिशर अप्रेंटिस के हैं 500 पोस्ट एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के हैं 2000 पोस्ट। सो टोटल 2500 पदों पर भर्ती की जानी है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी आपको इसका ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सो बहुत ही जल्द जैसे ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे डेट क्या रहेगी, उसी दिन आप इसका ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रहेगा आपका, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी क्या रहेगी, ट्रेनिंग क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 29 मार्च 2022 से लेकर के 5 अप्रैल 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस आपका जो नोटिफिकेशन है, आप इसकी ऑफिशियल साइट, इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर 29 मार्च से आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया दो पदों पर भर्ती है, दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो फर्स्ट है AA यानी आर्टिफिशर अप्रेंटिस की जो है, इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर 60% मार्क रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका इनमें से जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और आपके पास होना चाहिए, तो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आप AA पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। SSR जो पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, इसके लिए भी 12th पास रिक्वायर्ड रखे गए हैं। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इसके अलावा जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, तीन में से कोई एक भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये 12th साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। इसके बाद एज लिमिट देखेंगे तो 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए एंड ये दोनों ही डेट इंक्लूड की जाएंगी। सैलरी की बात करेंगे तो इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी देन आपको जो सैलरी या स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 14,600 पर मंथ दिया जाएगा। एंड आफ्टर द ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट आप कर लेते हैं, देन आपका पे मैट्रिक्स लेवल 3 से सैलरी रहेगी 21,700 से 69,100 पर मंथ। इसके बाद प्रमोशंस के बारे में भी नोटिफिकेशन में बताया गया है, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आए आप उसको देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, 12th की जो परसेंटेज रहेगी उसके बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एंड ये जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी ये स्टेट वाइज की जाएगी। इसके बाद होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उनको कॉल किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। एक घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 7 मिनट्स, 20 उठक बैठक एंड 10 पुशअप्स रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी हैं। ओके, सो सारे पॉइंट्स हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं। इसमें ट्रेनिंग और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी AA जो पोस्ट है, आर्टिफिशर अप्रेंटिस की जो पोस्ट है, इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो 9 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है SSR,
ये 22 वीक्स की ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। सो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। 29 मार्च से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैच 2022 अगस्त के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब अगर आप भी 12th पास आउट हैं साइंस स्ट्रीम से, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस में से आपने किया हुआ है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर आपको पे नहीं करनी होगी, नो एप्लीकेशन फ़ीस, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और 29 मार्च को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप भी ऑफिशियल साइट पर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।